द बेसिक मैथमेटिक्स SSM को पढ़ने के लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है वो आपको साइन थीटा कॉस सुपर पोजिशन और ये बात थोड़ी सी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार डाउट में आता है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि साइन कॉस थीटा से आप मिले होंगे, परिचय हुआ होगा आपको, इनके बारे में थोड़ा बहुत जाने होंगे, फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, तो वो बच्चा तुरंत कर लेगा, उसका टाइम बच जाएगा और वही रेस जीतेगा, वही विनर होगा। एक बच्चा है जिसको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया या तो वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन है वो एक स्ट्रगलिंग क्वेश्चन होगा, वो स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगलिंग में गलती होती है। तो पहले स्मार्ट तरीके वाले से करते हैं, जिसको कुछ पढ़ाया गया, जिसको ट्रिक कुछ बताया गया है। हम सबको पता है अगर सुपर पोजिशन आप पीरियोडिक फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा सेम फ्रीक्वेंसी लेके सुपर इम्पोज करते हैं, तो वो जो सुपर इम्पोजिशन है, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी जो सेम फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक है, तो ये जो इक्वेशन होता है वो पीरियोडिक भी होता है और SSM भी होता है। तो पहला वाला जो है वो तो SSM रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सिंपल समेशन ऑफ साइन और कॉस SSM का है। अब आपको ये भी बात पढ़ाया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या साइन की पावर क्यू, ये जो होते हैं, ये जो साइन थीटा वो तो SSM होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की पावर क्यू, ये जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं पर SHM नहीं होते हैं। ठीक है, इनका ग्राफ देखोगे आप ना तो थोड़ा सा आपको बना दूं मैं, डरना नहीं। साइन स्क्वायर साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे। अब जो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐसे ही आता है साइन स्क्वायर, तो ये तो यार कभी साइन स्क्वायर थीटा कभी भी SHM को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और ये कभी SHM को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये लॉजिक से हमें क्लियर हो गया कि ये SHM नहीं है और ये कभी जमाने में पीरियडिक ही नहीं होगा। तो जो पीरियडिक ही नहीं होगा तो वो कभी सपने में भी SHM नहीं होगा यार, क्योंकि टी टेंड टू इन्फिनिटी पे वाई की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करे जो कभी रिपीट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सफिशियंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी अभी इसको भी बता देता हूँ और ये डायरेक्ट फार्मूले बेस पे है। वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, डायरेक्ट फार्मूले बेस पे है और ये पीरियोडिक भी है SHM भी है। तो ये SHM है, ये SHM है, ये पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है। अब यहाँ से निकाल लो विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट SHM। SHM इसमें से फर्स्ट और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर सी ऑप्शन सही है। अब एक बच्चा जिसको ये सब डेटा नहीं पता है, उसको बताया नहीं गया है या पढ़ा नहीं है, अब उसके लिए क्या होगा, वो स्ट्रगल करेगा। कैसे स्ट्रगल करेगा उसको मैं दबा देता हूँ। देखो, हम सबको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है वो SHM कब होता है, जब वो डी स्क्वायर वाई के फॉर्म में ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कोई इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा और वो पीरियोडिक भी होगा, SHM भी करेगा। अब हर एक के लिए एक चेक करो, इस फॉर्मेट में है ओमेगा, कोई कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो पहला वाला चेक करें। तो पहला वाला जो है मैं आपके लिए एक चेक कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डैश इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन का एक ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये एक बार और करो, एक बार ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो साइन ओमेगा टी और माइनस कॉस ओमेगा टी
और ये कुछ नहीं है, ये वाई ही है, स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज मस्ट बी इक्वल टू दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, यहाँ माइनस भी नहीं आना चाहिए, वो SHM रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा, पीरियोडिक भी होगा पहला। ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है साइन की पावर क्यू है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, वाई इक्वल टू साइन की पावर क्यू ओमेगा टी, या तो इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा यार। अगर आपको फार्मूला याद है कि साइन की पावर थ्री थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर थ्री साइन थीटा और माइनस साइन थ्री थीटा होता है, तो इस फॉर्म पे इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर थ्री साइन ओमेगा टी और माइनस साइन थ्री ओमेगा टी। अब अच्छे से देखो ब्रैकेट में कि ये जो है वो साइन ओमेगा टी है और ये थ्री साइन ओमेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, तो ये क्या है, एक पीरियोडिक है क्योंकि साइन है और SHM नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, पीरियोडिक रिप्रेजेंट करा और SHM नहीं है, और ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है, इसको भी करके आप देख सकते हो। इस तरह से वो बच्चा करेगा जिसको बेसिक नहीं आता है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।